गाइड कंपोज बाय आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया उपन्यास दी गाइड है। जैसा कि इस नोवल को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और इसे फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अभी तक है और 8 चैप्टर्स हैं, उनमें जो मेन इवेंट्स हैं, अभी तक हम 8 चैप्टर्स में जो कि मेन इवेंट्स हैं उनको हम पढ़ चुके थे। अब है चैप्टर नंबर 9 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 के बारे में, चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि जब मार्को है जो कि रोजी का हस्बैंड है, अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है, तो अब वह राजू के साथ है और रहना आरंभ कर देती है। राजू की जो माँ है उसको रोजी और राजू का रहना पसंद है, नहीं आता है इस तरीके से, और वह घर को छोड़कर और चली जाती है अपने भाई के पास। इसी दौरान हम देखते हैं मीनवाइल मार्को सेंट ए कॉपी ऑफ हिज पब्लिश बुक टू राजू, और मार्को है अपनी प्रकाशित पुस्तक की एक जो कॉपी है और राजू को उसने भेजी, इन विच ही हैज एक्नॉलेज हिज ग्रेटिट्यूड टू हिम, और इस पुस्तक में, और हम देखते हैं कि इस पुस्तक में उसने और ग्रेटिट्यूड टू हिम राजू के प्रति है आभार प्रकट किया, और इस पुस्तक में उसने और राजू के प्रति है आभार व्यक्त किया। राजू कंसेल्ड दिस बुक फ्रॉम रोजी, और राजू ने और यह पुस्तक रोजी से कंसेल्ड का मतलब छिपा लिया था। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, दिस बुक विल अगेन अरोज डोरमेंट फीलिंग फॉर मार्को इन रोजीज हार्ट, कि यह सोचते हुए कि यह पुस्तक है और रोजी में मार्को के लिए जो सुसुप्त है भावनाओं को एक बार पुनः जगा देगी। हाउएवर व्हेन रोजी रीड दी रिव्यू ऑफ दिस बुक इन ए वीकली, और फिर भी रोजी ने इस पुस्तक की जो चर्चा है, रिव्यू का मतलब चर्चा है, वीकली में पढ़ी, एक साप्ताहिक पत्रिका है उसमें पढ़ा था, सी वॉज एलेटेड, और रोजी थी वो बहुत ज़्यादा, और हम देखते हैं नाराज हुई, एंड राजू टोल्ड अबाउट इट, और जब राजू ने इसके बारे में बतलाया, एंड लेटर ऑन, और बाद में, और जब राजू ने इसके बारे में बाद में और बतलाया, इसके पश्चात हम देखते हैं व्हेन सी केम टू नो, और जब पता चला अबाउट राजूज कंसेलमेंट ऑफ द बुक, कि जब बाद में और राजू ने इस पुस्तक के लिए जो कुछ छिपाया था कि उसने नहीं बताया था, जब उसे पता चला तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, सी वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड, वह बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी। देन इसके पश्चात हम देखते हैं, एक तो है कि राजू ने और
इस पुस्तक के बारे में जो कुछ भी छिपाया था उसे और रोजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसके पश्चात हम देखते हैं देन ए रजिस्टर्ड लेटर फॉर रोजी अराइव्ड विच मेंशन। और इसके पश्चात होता क्या घटना घटित होती, एक पंजीकृत पत्र है रोजी के लिए आया विच मेंशन और जिसमें उल्लेख था आफ्टर साइनिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म कि एक एप्लीकेशन फॉर्म पर और दस्तखत करने के पश्चात रोजी वुड बी एबल टू प्रोक्योर ए ज्वेलरी बॉक्स है कि रोजी को क्या है कि गहनों का बॉक्स मिलेगा, एक ज्वेलरी का बॉक्स मिलेगा विच जिसको कि और हैज डिपॉजिट इन दी बैंक बाई मार्को और जिस बॉक्स को मार्को ने बैंक में और डिपॉजिट करा दिया था। राजू वॉज वेरी पजेसिव अबाउट रोजी और राजू था और रोजी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसक्त था और उसे वह डर था, ही फियर वह डरा हुआ था दैट कि एज सून एज रोजी बुरे नो अबाउट दिस मैनी मिट्री ऑफ मार्को कि मार्को की इस और दयालुता के बारे में कि मार्को की दयालुता उदारता के बारे में और पता चलेगा और मेंटली सी माइट मूव क्लोजर टू हर हस्बैंड और हो सकता है कि ये घटना है रोजी को अपने और हस्बैंड के और नज़दीक ला सकती थी। मेंटली मानसिक रूप से हम देख सकते हैं कि रोजी है और उसने सोचा कि अपने हस्बैंड के और बहुत निकट जा सकती थी, करीब आ सकती थी और इसीलिए सो वंस अगेन एक बार ही कमिटेड ए सीरियस ब्लंडर और उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी गलती की और उसने क्या किया और राजू ने ही कमिटेड ए सीरियस ब्लंडर उसने एक गलती की ही फोर्ज रोजी सिग्नेचर और उसने रोजी के जाली सिग्नेचर कर दिए। मार्को डिस्कवर्ड दिस फ्रॉड और मार्को को और इस फ्रॉड है इस गलती का है और क्या पता चल जाता है, इस गंभीर गलती का पता चल जाता है, जालसाजी का पता चल जाता है। इन्फॉर्म द मैटर टू द पुलिस और उसने और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। राजू बॉज अरेस्टेड है, राजू को गिरफ्तार किया गया, सेंटेंस 2 years इम्प्रिजनमेंट और 2 साल की उसे कैद हो जाती है। ऑल द रोजी बॉज कॉन्टेम्पिटियस ऑफ दिस डिशीट ऑफ राजू यद्यपि रोजी है और राजू के इस धोखे से और इस तिरस्कार और राजू से वह तिरस्कार पूर्ण है, हेटफुल और व्यवहार करती है, फिर भी सी वेंट टू मैट हिम इन दी प्रिजन और वह उससे जेल में और मिलने के लिए और जाती है और फिर भी है रोजी है और राजू से और जेल में मिलने के लिए जाती है। क्राइड कंसोल्ड हिम और हम देखते हैं कि रोई वह रोती है, उसे कंसोल सांत्वना देती है, डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प हिम और वह उसकी सहायता करने के लिए उसने सब कुछ किया। राजू बॉज वेरी कोऑपरेटिव और हम देखते हैं कि राजू वहाँ जेल में और उसके व्यवहार में चेंजेज आ जाता है, वो कैसा हो जाता है, कोऑपरेटिव हो जाता है, डिसिप्लिन इन दी प्रिजन और जेल में कैसा होता है, एक और अनुशासित था और इसीलिए वॉज कंसीडर ए मॉडल प्रिजन कि एक आदर्श कैदी और समझा जाता था फॉर हिज गुड कंडक्ट एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अच्छे व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। ऑल्दो थरली एंजॉय हिज स्टे इन द प्रिजन
और उसने जेल में और भरपूर आनंद लिया जेल के जीवन का जब उसे रिहा किया गया एंड फेल्ट डिप्रेस्ड और वह अत्यधिक दुखी था व्हेन ही वॉज रिलीज और जब उसे जेल से रिहा किया गया था। चैप्टर नंबर और हम 19 में हम देखते हैं कि मार्को है और अपने जो बुक है उसके लिए और आभार प्रकट करता है, वो कहता है उसे पुस्तक में बतलाता है कि ये पुस्तक को पूरा करने में जो राजू है उसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा था। लेकिन वह रोजी को एक है और ज्वेलरी बॉक्स एक कहते हैं लेटर भेजता है यदि, और उसमें बताया गया था कि यदि और रोजी है इसे और लेटर पर सिग्नेचर कर देती है तो वह उसे उसका ज्वेलरी बॉक्स वापस मिल जाएगा। लेकिन राजू है उसे लेटर पर स्वयं सिग्नेचर कर देता है और जिसके कारण है मार्को को पता चल जाता है और उसे 2 साल की और जेल हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके पश्चात है अगेन दी एक्स चैप्टर नंबर हम 10 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है और इसमें हम देखते हैं कि ये चैप्टर है एक बार पुनः अगेन दी एक्शन मूव्स टू दी प्रेजेंट, ये पुनः जो घटना है वर्तमान की ओर घूमता अर्थात है मंगल गांव के बारे में दृश्य है। राजू थिंक्स दैट आफ्टर लिसनिंग टू हिज ऑनेस्ट कन्फेशन अबाउट हिज पास्ट लाइफ है और अपने भूतकाल के जीवन के बारे में उसका ईमानदारी पूर्ण कन्फेशन अपराध बोध सुनकर और वो इस बात से चिंता करता है वेलन विषय विल डिसग्रेस हिम कि वेलन है और उसे अपमानित करेगा कि जब राजू है अपने पास्ट लाइफ के बारे में वेलन को बतलाता है तो राजू है और वह परेशान है इस बात को लेकर कि कहीं वेलन है उसे अपमानित तो नहीं करेगा। व्हाट ए टू हिज ग्रेट सरप्राइज, लेकिन आश्चर्य की बात थी वेलन स्टिल एड्रेस हिम एज स्वामी कि वेलन है उसे स्वामी कहकर और संबोधित करता है उसके पास्ट लाइफ को जानने के बावजूद। राजू रिल्यूक्टेंटली ऑब्जर्व से द फास्ट है और हम देखते हैं कि राजू है रिल्यूक्टेंटली मतलब अनिच्छा से व्रत का पालन करता है एंड एक्वायर्स द फिगर्स ऑफ ए संत है और हम देखते हैं संत का बाहरी आवरण बनाए हुआ है फिकर्स बाहरी आवरण एज द न्यूज ऑफ स्वामीज राजूज फास्ट हैज ऑलरेडी स्प्रेड और राजू के फास्ट की जो ये न्यूज है और पहले से ही और फैली हुई है। मरियड पीपल विजिट द प्लेस फॉर हिज दर्शन, असंख्य लोग हैं स्वामी का दर्शन करने के लिए उस स्थान का भ्रमण करते हैं। कुक फूड देयर, भोजन तैयार किया जाता है वहाँ पर, एन्जॉय देम सेल्फ लोग एन्जॉय करते हैं। और इसके बाद देखते हैं द साइट ऑफ स्मोक एंड फूड मेक्स राजू मोर रेवेन्यूस एंड ही क्रेव्स टू ईट, और जैसे धुआं और भोजन की दृश्य है और राजू को और भूखा बना दे, उसकी भूख है और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह भोजन करने के लिए उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। ऑन द फर्स्ट 2 डेज ऑफ हिज फास्ट, और अपने फास्ट के पहले 2 दिन ही मैनेज टू ईट समथिंग सीक्रेटली, उसने और गुप्त तरीके से और चुपचाप है और उसने भोजन और चुपके से कुछ खाने की व्यवस्था और कर ली थी। लेकिन आउट ऑफ द लिटिल फूड ही सेव्ड अर्लियर,
और वह पहले से ही थोड़ा भोजन बचा के रख लेता था, बट आफ्टर डैट ही और फिमिसिज और बाद में जिसे कि वह और भूख लगने पर वो खा लिया करता था ताकि उसे भूखा नहीं मरना पड़े। ई फील्स दैट उसने महसूस किया नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं था। ही नोज, वह जानता है दैट कि ही विल हैव टू गो थ्रू द ऑर्डियल्स, कि उसे कठिनाई से विपत्ति से गुजरना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं था, अग्नि परीक्षा उसे गुजरना ही पड़ेगा। देन कम्स ए मोमेंट ऑफ ए रिवेलेशन, और इसके पश्चात है हम देखते हैं कि इसके पश्चात है प्रकट है अपने आप को, और प्रकट करने का क्षण आता है अर्थात अपने आप को सही साबित करने का क्षण आता है। व्हेन ही रिसोल्व टू डू समथिंग फॉर दी विलेजर्स, और जब वह गांव वालों के लिए कुछ करने का निश्चय करता है, ही थिंक्स दैट इफ हिज फास्ट कैन ब्रिंग रेन, और वह सोचता है यदि उसके द्वारा और किया गया फास्ट है रेन लाता है, बरसात होती है उसके फास्ट से ही विल श्योरली फास्ट, तो निश्चित रूप से वह फास्ट करेगा। सो ही ड्राइव्स अवे ऑल द थॉट्स ऑफ फूड फ्रॉम हिज माइंड, और अपने सोच से अपने मस्तिष्क से भोजन करने की सभी विचारधारा उनको वह त्याग देता है। ही थिंक्स दैट, और वह सोचता है दैट कि इफ ए बाय अवॉइडिंग फूड और भोजन को नज़रअंदाज करके कैन दी ट्रीम्स ब्लूम, वृक्षों को खिलने में सहायता कर सकता है, ग्रास ग्रो, और जो ड्राउट के कारण है घास है वो सूखी हुई है वो ग्रो करती है, वाई नॉट डू इट और थरली, तो उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात है कि उसे और व्रत है फास्ट है वो करना चाहिए। विद रेनाउड स्ट्रेंथ एंड बिगोर, और पूरी ताकत के साथ है और नवीन ताकत और शक्ति के साथ है, ही गोज टू स्टैंड इन वाटर, और वह पानी में और जाकर खड़ा हो जाता है, एंड प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है, टू सेंड डाउन रेन, कि बरसात है और वह उसको भेजे अर्थात बरसात हो, एंड सेव द विलेजर्स, और गांव के लोग हैं उनका जीवन और बचे। ही फील्स दैट ही हैज़ ट्रांसफॉर्म, उसने अपने आप को बदल लिया है, रियलाइज हिज ट्रू सेल्फ है, और वह उस सत्य को महसूस करता है, स्वयं इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ है फॉर द सेक ऑफ विलेजर्स, और ग्रामीणों की भलाई के लिए, और वह अपने जीवन को जीवन का बलिदान करने के लिए और तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रामीणों की भलाई के लिए अपने जीवन को जीवन का बलिदान करने के लिए वह राजी हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 है, उसमें राजू के फास्ट के बारे में बताया गया है।